बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तहरीम सलीम कसीरी। हाउ आर यू स्टूडेंट? आई होप सो यू आर ऑल्सो फाइन, सेव इन स्टे होम एज वेल। एज यू नो, टुडे इज़ योर आई सी टी क्लास ऑनलाइन विद स्मार्ट कंप्यूटिंग क्लास 5। आई सी टी की आज आपकी सेकंड क्लास है। ओके, तो आज की क्लास में आप लोग ने जो आपकी रिमाइनिंग रीडिंग है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग पेंसिल होल्ड कर लें अपने हाथों में एंड कम टू द इंडेक्स। ओके, तो अब हम मूव करते हैं इंडेक्स की तरफ। चैप्टर नेम है आपका मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड, ये हो चुका था। ये है आपका चैप्टर फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग इन एमएस वर्ड 2010, पेज नंबर 98। ओके, मूव करते हैं पेज नंबर 98 की तरफ। ओके, तो अब हम पेज नंबर 98 की तरफ आ चुके हैं। सही, तो जो रीडिंग थी हमारी तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी थी, पेज नंबर 99 तक। अब हम नेक्स्ट पेज पर हम मूव करते हैं। तो आज के जो पेज है रीडिंग का वो है पेज नंबर 100। सही, पेज नंबर 100 है, तो स्टार्ट लेते हैं। लेट मी स्टार्ट। टू अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर, अलाइन आपको पता था क्या था कि हम अगर टेक्स्ट के लिए जो सेटिंग करते हैं वो स्टार्टिंग जो आपकी स्टैंडर्ड सेटिंग होती है टाइपिंग की वो क्या होती है, लेफ्ट साइड पे होती है। सही, तो हमें अगर चेंज करनी हो सेटिंग को, चाहे आपको सेंटर में लानी हो या राइट पे लानी हो, तो उसके प्रोसीजर बताया जाए। तो अब सेटिंग, आप अलाइन की सेटिंग कहाँ लेके जा रहे हैं, सेंटर में। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक्स्ट की सिलेक्शन करनी है। टेक्स्ट की सिलेक्शन आपको याद होगा कैसे हमने की थी, कि अगर आप चाहें तो उस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपने क्या करना है आपके माउस के बटन से। ठीक है, सही, माउस का बटन है, आपने यहाँ से ये करना है कि इस बटन पे होल्ड रखते हुए और फिर आपने ड्रैग करना है। ठीक है, ड्रैग करेंगे और फिर रिलीज़ कर देना है बटन को, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग पॉइंट तक जाना है। सही, इसके बाद है पॉइंट नंबर 2, क्लिक द होम टैब ऑन द रिबन। आपने क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब कहाँ होता है, आपके रिबन्स में होता है, टाइटल बार के नीचे। ठीक है, दिस इज अ टाइटल बार, टाइटल बार के बिलो पे क्या है आपका, होम टैब है ये। सही, पॉइंट नंबर 3, क्लिक इन द पैराग्राफ ग्रुप एज शोन अबव। जैसे आपको पैराग्राफ ग्रुप दिया हुआ है फिगर में, ठीक है, ये क्या है, एक पैराग्राफ है। सही, ठीक है, ये ग्रुप है, रिबन्स के अंदर ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर टूल्स कमा जो इसके कंसिस्ट होते हैं। इसके बाद है क्लिक ऑन द अलाइन सेंटर ऑप्शन। ये देखें, ये पिक्चर भी दी हुई अलाइन की, कि आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे जो है पैराग्राफ ग्रुप में जाके सेंटर अलाइन पे क्लिक कर देना है। द टेक्स्ट इज अलाइन टू द सेंटर, फिर आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ आ जाएगा, देखो बिल्कुल मिड में आ चुका है आपके पेज के। ठीक है, नज़र आ रहा है। इसी तरीके से जस्टिफाई, जस्टिफाई में ये होता है कि देखें, ये आपको पिक्चर के थ्रू मैं पहले समझा देती हूँ, कि अगर आप कोई भी टाइपिंग कर रहे हो तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कुछ यहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ वर्ड्स यहाँ से निकल रहे होते हैं, तो वो एक बिल्कुल सेंटर में आके बिल्कुल उसको एक कॉलम में बना दिया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से अगर कुछ वर्ड्स कोई भी लेटर आगे पीछे ना हो, बिल्कुल इक्वल हो वो। सही, तो आपको ये दिख रहा होगा सिलेक्शन के थ्रू कि सारे सेंटर में आके बिल्कुल इक्वल हो गए। जस्टिफाई द टैक्स फॉलो द गिवन स्टेप्स। जस्टिफाई मीन्स अलाइनिंग द टैक्स बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ठीक है, मतलब दोनों जो मार्जिन है लेफ्ट एंड राइट की वो क्या है, एक साथ है। द टैक्स लुक लाइक मच बेटर देन बिफोर, जो आपका जो टैक्स है पहले से ज़्यादा बेहतर लगने लगता है। ठीक है, ये देखिए, सही। नेक्स्ट है नंबर लिस्ट। नंबर लिस्ट क्या होती है, यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम बाय यूजिंग नंबर लिस्ट एंड बुलेट्स। आप किसी भी लिस्ट को नंबर के थ्रू या फिर बुलेट के थ्रू लिस्टिंग कर सकते हैं किसी भी आइटम को। एमएस वर्ड अलाउज यू टू द सेंटर द लिस्ट इन मैनी फॉर्म्स टू मेक नंबर लिस्ट फॉलो दिस स्टेप। ठीक है, एमएस वर्ड आपको ये अलाउ करता है कि आप किसी भी तरह के जो आइटम्स होते हैं इसको आप नंबर्स में या बुलेट लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस। पॉइंट नंबर 1, सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू ऐड नंबर्स। अगर आप किसी भी आइटम्स की नंबरिंग करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, देखो नंबर्स में शो किया हुआ है 1, 2, 3, 4, ठीक है, नंबर ये होते हैं। और बुलेट्स में ये होता है कि किसी भी तरह का कोई सैम्बल हो गया, जैसे ये डॉट आ गया, ठीक है, या फिर ये कोई चेक का साइन आ गया, ये कोई भी तरह का सैम्बल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको लिस्टिंग की हुई है, देखिए ये जो लिस्टिंग है क्या है, नंबरिंग से की हुई। ठीक है, तो इसी तरीके इसी नंबरिंग को किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं एमएस वर्ड में ये बताया जा रहा है। सबसे पहले आइटम की सिलेक्शन करनी है, फिर होम टैब में जाना है। ठीक है, होम टैब आपके बिल्कुल टाइटल बार के ब्लो होता है।
होम टैब पे जाने के बाद क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द नंबरिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप में आपने कहाँ जाना है, नंबरिंग पे। ठीक है, ये देखें वहाँ पे क्लियर नहीं है तो मैं पहले आपको यहाँ दिखा दूँ, ये पैराग्राफ ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ये देखें ये नंबरिंग है। ठीक है, और ये बुलेट्स है, सही। तो अब आपने क्या करना है कि इसके पैराग्राफ ग्रुप में जाने का नंबरिंग पे सेलेक्ट करना है, तो ये आपकी नंबरिंग का ऑप्शन आ गया। ठीक है, पैराग्राफ यहाँ नज़र नहीं आ रहा इसलिए उस पिक्चर में आपको मैंने शो करवाया। सेलेक्ट एंड क्लिक द लिस्ट स्टाइल ऑफ योर चॉइस, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। द सिलेक्टेड आइटम्स आर नंबर्ड, ठीक है, जो आपने सिलेक्टेड आइटम जो किया है वो आपके नंबर पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपने टेक्स्ट की सिलेक्शन की थी, ठीक है, टेक्स्ट की सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, किसी भी एक को, एक स्टाइल को क्लिक कर देना है, चॉइस करना है। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो देखें जब आपने उसकी सिलेक्शन कर ली तो ये देखिए सारी जो ये लिस्ट हो गई है नंबर में, सही। इसी तरीके से अगर आप इसको चाहें तो बुलेट्स में भी कर सकते हैं, सेम मेथड है। अब बुलेट इज़ अ सिंबल टू ऐड इम्पॉर्टेंस टू अ लिस्ट आइटम इन अ डॉक्यूमेंट। सपोज यू आर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ योर स्टेशनरी आइटम, यू पुट अ सिंबल और मार्क द आइटम इन द लिस्ट। फर्ज करें कि अगर आपने किसी स्टेशनरी की आइटम के बारे में लिखना है तो आपने क्या सैम्पल्स पुट करने होंगे, कोई सैम्पल पुट करना होगा या फिर किसी किस्म का मार्क पुट करना होगा आपकी लिस्ट में। तो दिस मेक द लिस्ट अट्रैक्टिव टू डू ऑन टू डू सो इन एमएस वर्ड यू कैन यूज़ बुलेट्स। ठीक है, तो इसको आपके जो भी टैक्स है उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं ये। तो स्टार्ट लेते हैं, टू मेक अ बुलेट लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट, फॉलो दिस स्टेप। सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए कहाँ जाएंगे कि सिलेक्शन किए। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद होम टैब में जाना है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट आपको समझा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या करना है, होम टैब में जाना है। होम टैब में यहाँ पे एक पैराग्राफ ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे लिखा हुआ है बुलेट का ऑप्शन, सही, बुलेट लाइब्रेरी, सही। तो यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी एक सिंबल आपने चॉइस करना है। ठीक है, चॉइस कर लेंगे तो फिर आपने ये देखा होगा कि ये इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने नंबर लिस्ट की थी इस तरीके से, तो ये नंबरिंग में आ गया था, और अब हमने बुलेट में किया है तो ये बुलेट में आ चुका है। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है जिस तरीके से हमने पहले किया था। सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू ऐड बुलेट लिस्ट, ठीक है, क्लिक द होम टैब एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द बुलेट्स बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। सेलेक्ट द बुलेट स्टाइल ऑफ योर चॉइस, द आइटम आर बुलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके आइटम हैं वो क्या हो जाएंगे, बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास है वो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, जो नया टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा एक होमवर्क है, आपके जो एक्सरसाइज ए है इस चैप्टर की, चॉइस द करेक्ट आंसर। चॉइस द करेक्ट आंसर आपने करने हैं। पेज नंबर 115 पे, ठीक है, पेज नंबर 115, और ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये लाजमी आपने अटैम्प्ट करना है। अगर नहीं समझ आएगा तो आपने कोई बात नहीं, मैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और जो भी आपको वीडियो अपलोड की जा रही है आप लोगों के लिए उसे लाजमी वॉच कीजिए। अल्लाह हाफिज़।